आज रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे पीएम मोदी, शाम को पहुंचेंगे अयोध्या। पीएम शाम करीब 7:45 बजे पहुंचेंगे अयोध्या एयरपोर्ट, सबसे पहले राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन के बाद 7:15 बजे के बाद रोड शो की करेंगे शुरुआत, राम जन्मभूमि पथ के पास सुग्रीव किले से रोड शो शुरू होगा। पीएम का करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, सीएम योगी साथ में मौजूद रहेंगे। अयोध्या से पहले यूपी के इटावा और सीतापुर में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम, जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की रैली, कर्पूरी ठाकुर को बताया प्रेरणा स्रोत, कहा सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। पीएम मोदी का बड़ा खुलासा, कहा रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने गोधरा कांड के दोषियों को बचाने की कोशिश की। पीएम ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली और पटना के प्रिंस दोनों एक जैसे हैं। पीएम के प्रिंस वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, वो हमारे पीर ज्यादा हैं, बड़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम छोटे लोग हैं। दरभंगा की रैली में पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार सांभवी को अपनी बेटी बताया। कानपुर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, सीएम योगी भी मौजूद रहे। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने श्री कीर्तनगढ़ साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका, कहा गुरुद्वारे में जाना हमेशा खास होता है। आज थम जाएगा तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सभी पार्टियां झोंकेंगी अपनी पूरी ताकत। यूपी में आज 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे योगी, हरदोई और इटावा में करेंगे जनसभा। फरुखाबाद की रैली में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा जिहाद से अगर इतना प्यार है तो पाकिस्तान जाइए। गृहमंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चुनावी दंगल में उतरेंगे, 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। दमन की रैली में बोले अमित शाह, इस चुनाव में 2 विकल्प हैं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने वाले या SC ST OBC के आरक्षण को बचाने वाले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा मेरी सरकार आई तो जाति गणना के साथ आर्थिक सर्वे करवाया जाएगा। आज तेलंगाना के चुनावी जंग में उतरेंगे राहुल गांधी, आदिलाबाद और महबूबनगर में करेंगे जनसभा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को धमकाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बीरभूम में करेंगी जनसभा, बर्धमान में करेंगी रोड शो। संदेश खाली हिंसा के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो आया सामने, सीएम ममता ने हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया। वीडियो सामने आने के बाद बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार, टीएमसी पाप को छिपाना चाहती है। मैनपुरी में डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के साथ किया रोड शो, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। गुना के शेखपुर गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे महा आर्यमन सिंधिया, आदिवासियों के साथ बातचीत के बाद खाना बनाते हुए नजर आए। दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष देवेंद्र यादव आज पद संभालेंगे, अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में कांग्रेस को लगा झटका, अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और नीरजा बसोया ने बीजेपी का दामन थामा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज दक्षिणी दिल्ली में करेंगी रोड शो, आप उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप की तरफ से आज वॉकथॉन का आयोजन, संजय सिंह, गोपाल राय समेत सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने किया गिरफ्तार, उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज था। अश्लील वीडियो के मामले में एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वला रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है सीबीआई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद, 4 जख्मी। वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुंछ आतंकी हमले को बताया कायराना और दुखद, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। सूरत में क्राइम ब्रांच ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान के हैंडलर के कांटेक्ट में था आरोपी। संदिग्ध ने चैट में पाकिस्तान से हथियार की मांग की थी, नूपुर शर्मा और टी राजा सिंह समेत कई नेताओं को अपना टारगेट बताया। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बस हादसे में घायल जवानों से मुलाकात की, डॉक्टर और प्रशासन को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मैनपुरी में एक नहर में 3 बच्चों के डूबने के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, 1 बच्चे का शव बरामद हुआ है। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में 2 बच्चों की जहर देकर हत्या का शक फिलहाल पिता पर जताया जा रहा है। भोपाल में चेकिंग के दौरान कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को मारी टक्कर, बोनट पर गिरे जवान को 0.5 किलोमीटर तक घुमाया, पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। महाराष्ट्र के सांगली में आर्मी हेलीकॉप्टर की एहतियातन लैंडिंग करवाई गई, हवा में अचानक तेज कंपन की वजह से हुई लैंडिंग। करीना कपूर खान को यूनिसेफ ने सौंपा बड़ा जिम्मा, बनाया नेशनल एम्बेसडर, करीना बोली गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। टेक जायंट्स के लिए भारत सबसे पसंदीदा बाजार बनकर उभरा है, एप्पल के सीईओ टिम कुक का बयान। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहले मैच में पंजाब किंग्स के सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग्स। आज के दूसरे मुकाबले में नंबर 2 और नंबर 3 की भिड़ंत होगी, लखनऊ में होगी कोलकाता और लखनऊ की भिड़ंत। आईपीएल में बेंगलुरु ने दर्ज की 4थी जीत, प्लेऑफ की रेस में पहुंचने की उम्मीद बाकी है।